पटियाला लोहर महल स्थित ईदगाह विच शहर के समूह भाईचारे वालों ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम नाल मनाते हुए आपसी भाईचारक सांझ का संदेश दिता गया। नाल ही मुस्लिम भाईचारे के लोगों को गले लगा के वड्डे वड्डे तोहफे दिते गए। ईद की नमाज मगरों हिंदू सिख भाईचारे के लोग इस पवित्र त्यौहार विच मुस्लिम भाईचारे को वधाई देने लई स्थानक ईदगाह पहुंचे और रमजान के इस पवित्र त्यौहार की पूरे देश विच वसदे सारे लोगों को मुबारकबाद दी गई। इस मौके मुस्लिम भाईचारे के लोगों वालों ईद उल फितर के पवित्र त्यौहार बारे जानकारी दी गई और पूरा महीना रोजे रखने मगरों इस पवित्र त्योहार के संपूर्ण होने बारे जानकारी दी गई और समूह भाईचारे का धन्यवाद करते हुए सबनों मुबारकबाद दी गई। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरों के लिए सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी और ताज़ी खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक। ईद उल फितर कहा जाता है। असल यह 30 दिन के रोज़े रखने की अल्लाह का शुक्र करने वास्ते यह खुशी मनाई जाती है। रमज़ान असं मानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा रहमत वाला महीना। जिस बंदे नूं नसीब हुंदा है वह बड़ा खुश हुंदा है, रोज़े रखता है, दुआवां मंगता है, तरावी पढ़ता है। उस तो बाद उसके खत्म होने पर दो रकात नमाज पढ़ी जाती है। बंदे तो तुम दस नहीं सकते किन्ने ही बंदे, जगह की कमी हो गई, छत के उपर भी पड़ी तो 15,000 के करीब बंदे इत्थे आए। तो बाकी तो भाईचारक सांझ की तो ये कोई गल किसी नवी नहीं दसन वाली है। एक परिवार च अगर नहीं है इतफाक वह नहीं अगर तरक्की कर सकता, देश नहीं है वह नहीं तरक्की कर सकता। वो यही चीज़ की है। असी बहुत मशगूल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हर तरीके नाल। पंजाब एक बहुत ही जन्नत है और दुआ करते हैं इस तरह का सारा हिंदुस्तान का बाकी स्टेटा भी इस तरह मुहब्बत रहे। इन्नी मुहब्बत मिलती है, इन्ना सहयोग मिलता है, हर बंदा खुश है। थे रहमान रही ईद उल फितर का त्यौहार और माह रमज़ान तो बाद ईद आती है, इनू ईद उल फितर कहा जाता है। ऐतकी 29 रोज़ों तो बाद ईद आई है ते अज दे दिन मैं शेर खान मैंबर मनोरिटी कमीशन पंजाब सरकार तो मैं सारे ही सारे शहर वासियों देश वासियों पूरी दुनिया के लोगों अज दे दिन की बधाई देना चाहना। और अज दे दिन अल्लाह के यही दुआ मौलाना साहब ने भी करवाई है कि साढ़े पंजाब दे विच साढ़े भारत दे विच आपसी जिहड़ी भाईचारक सांझ है उहनूं तोड़न की कई लोग कोशिशां करते हैं। तो उहदे लई दुआ करिए भी अल्लाह मियां उहनां लोगों हिदायत देवे ताकि वह भी सही रस्ते दे चल सकन।